जय गणनायक गणपति, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूल धर त्रिपुर हर, त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय ईष्टवर, भक्तों, यह श्री रामचरितमानस का पवित्र आख्यान सीता की खोज आपके समक्ष राठौर कैसेट के सौजन से प्रस्तुत करने जा रही हूं, तो लीजिए श्रवण करें। निशर दल को मार कर लौटे अवध किशोर, आन दिला कर लखन भी बड़े उन्हीं की ओर। जिस समय रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मायावी मृग को मारकर लौट रहे थे, तो उसी समय उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण की व्याकुलता देखकर श्री राम घबरा कर बोले, भैया लक्ष्मण क्या बात है? हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो अकुलाए तुम? चुप कैसे हो, बोलो बोलो, चुप कैसी हो, बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम? भैया लक्ष्मण क्या बात है? क्या सीता को अकेली क्यों छोड़ा है भैया? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतनी जल्दी तुम आए? किसलिए अकेली सीता को, किसलिए अकेली सीता को भैया? इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। श्री रघुवीर बोले, भैया लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर यहां क्यों आए हो भैया?
तो उसी समय। यह सुनते ही लखन ने जो श्री राम से कि भैया बोले यह क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ, बोले यह क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ। भैया थोड़ी देर पहले तुमने हा लक्ष्मण बचाओ मुझे, कहां हो जल्दी आओ ऐसे शब्द कहे हैं ना भैया, और जब तुम्हारी आवाज माता ने सुनी तो वो बेचैन हो गई। हमने बहुत समझाया लेकिन वे नहीं मानी और हमें हट पूर्वक आपके पास भेज दिया है। भैया मैंने भी सुनी वह तुम्हारी आवाज जो कि बहुत करुण भरी आवाज थी। नहीं भैया, राम बोले भैया वो आवाज मेरी नहीं थी। सुनो भैया लक्ष्मण, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि वो आवाज किसकी थी। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इसी कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो है बीती आश्रम में, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। भैया लखनलाल वह मृग नहीं था, वह निश्चर मारीस था। वह सब उसी की माया थी। जब मैंने उसकी वाण मारा तो वह तुम्हारा नाम लेकर चिल्लाया। भैया आज सीता को आश्रम पर अकेली छोड़कर तुमने महान भूल की है। निश्चय ही आज अपने साथ धोखा हो गया। भैया भैया लक्ष्मण भूल भई तुम से भारी सीता अकेली आई। बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम्हें सीता को अकेला नहीं छोड़ना था। भैया छोड़ के क्यों आए बलवीर, बंधे ना
लक्ष्मण, अगर सीता ने तुमसे कुछ कह भी दिया था तो तुम उनकी बात को सुन लेते, लेकिन इतनी बड़ी भूल हो गई भैया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब सीता आश्रम में नहीं मिलेगी। सुनो लक्ष्मण भैया, सुनो भैया बलिधारी, सुनो भैया बलिधारी, हृदय में शंका है भारी, सुनो भैया बलिधारी, ऊपर भारी विपत सिर ऊपर भारी, सीता अकेली आए भूल भई तुम से भारी, सीता जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां चले आए। भैया शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं, निशिचर निकर पकड़कर लक्ष्मण बोले, भैया इसमें मेरा क्या दोष है। इतना कहकर भक्तों वे दोनों भैया पंचवटी के लिए चल देते हैं। आगे चल रोते हुए देखे बहुत शगा, राम और लक्ष्मण के होश उड़ गए। लखनलाल से श्री राम रोकर बोले, भैया मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, सीता कुटिया में नहीं है। श्री राम रोने लगे, तुम बिन सीता मन घबराए, कैसे धीर बंधाए,
कैसे धीर बनाए मन में अति घबराए, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। तुम बिन सीता मन घबराए, कैसे धीर बनाए, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा। कुटिया में आ गया हूँ सीता। पूछे अवध के वासी रानी कहाँ है राजा राज की, कैसे थे तुम पति प्यारे चिंता ना कीनी कुल लाज की। जाएं सर मन शीश झुकाएं, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। तुम बिन सीता मन घबराए, कैसे धीर बंधाए, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा। लक्ष्मण सीता की खोज करने निकल पड़े। सीता सीता आवाज देते जा रहे हैं, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। दुखी होकर वे कहते हैं, भगवान श्री राम वृक्षों लताओं और पक्षियों से पूछ रहे हैं
कि क्या तुमने अपनी माता सीता को देखा है? अगर कहीं नजर आई हो तो बता दो। हे पहरेदारों वन वृक्षों, हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, हे कुटी कुटी तू ही बतला, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता जी के विरह वियोग में परेशान है। विरही की भांति सीता को आवाज दे रहे हैं। यह वियोग लीला निरख सुनकर विरह विला, याद आ गया इंद्र को नारद जी का शाप। भगवान की वियोग लीला देखकर इंद्र को नारद जी का दिया हुआ शाप याद आ गया। वह सोचने लगे, आशर पूरी आंखों से सुर, यहां अद्भुत चरित देखते हैं, यहां अद्भुत चरित देखते हैं, हम भ्रमों में कहीं ना पड़ जाएं। Bye!
घटके पटकी जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। वारे प्रभु, कि तन की जाने, मन की जाने और जाने चित्त की चोरी मेरे प्रभु से कहां छिपो है, जाके हाथ में डोरी। लेकिन फिर भी भगवान साधारण पुरुषों की भांति विरहातुर होकर वन में भटक रहे हैं। यही विधि खोजत विलपति स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, और मनुज चरित कर अजय विनाशी। चरित कर अजय अविनाशी, यही विधि खोजत विलपति स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। वे इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। सुने प्रिय भक्तों, अरे प्रभु वन में रहे पुकारे, सीता को पता लगावे। लगा
तो सीता जी का कहीं पता नहीं लग रहा है। श्री राम उन्हें ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गए। चलते चलते उसी जगह पहुंच गए सुख भगवान श्री राम वहां पहुंच गए जहां जटायु घायल पड़ा हुआ है। उसी समय क्या हुआ, उन मुदती आंखों के नाम लिया तो प्रिय भक्तों पहुंची यह वाणी प्रेम भरी मरने वाले के कानों में, मरने वाले के कानों में हे परो जटायु के कानों में वीणा के स्वर की भांति मधुर मधुर आवाज जब पहुंची तो आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। जब उस जटायु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखा, जगत पिता परमेश्वर को देखा, फिर आंखें मूंदे ही बोला, फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है, है कौन इन्हें जो कंधे रख, है कौन इन्हें जो कंधे रख, मुझ मरते को संभालता है, दो।
भक्तों, जब राम ने इतनी बात सुनी तो उसी समय की गद गद हो प्रभु कह उठी, हे जटायु मैं ही हूं वह राम, गीद राज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्त राज के ने टूटे फूटे बाक में लगा बोलने ने, लगा बोलने वो गीत श्री राम से कहने लगा। वो गीत राज जी भगवान श्री राम से कहने लगा कि प्रभु पिता परमेश्वर दर्शन के लिए ही प्राणों को रोके हुए था, बस अब मैं आपकी धाम को जा रहा हूं। प्रिय भक्तों, प्रभु ने भक्त राज जटायु को अंतिम प्रणाम करके अपने धाम को भेज दिया। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार,
तो जटायु का उद्धार करके श्री राम लक्ष्मण वहां से चल देते हैं। इधर प्रेम दीवानी शबरी प्रभु मिलन के लिए व्याकुल हो रही है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जल पीने के लिए पपीहा पीऊ पीऊ की रटन लगाता है, शबरी उसी तरह प्रभु नाम की रटन लगाए हुए है। कि शबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आएंगे। जपती रहती थी, उसका जीवन संयमी और सेवामय था, उसकी निष्ठा दिव्य थी। भला ऐसे घर में राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। शबरी को गुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास था, अतः आज वही समय आ गया है। गीतराज के गुणों का करते हुए वखान, पहुँचे शबरी के यहाँ करुणा निधि भगवान। शबरी की कुटिया पर
आज भगवान श्री राम पहुंच जाते हैं। कैसा रूप है श्री रघुनाथ का सुने। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लिपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वर्णमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लपट गए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे और अपनी सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने अपने प्रभु को बार बार सिनवाया। चरणों को धोने के बाद सुंदर पत्तों के आसन पर बैठाया। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वह क्या करती है। सुंदर बेरों की बगिया में, सुंदर बेरों की बगिया में शबरी दौड़ी तब जाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। कहती जो कुछ है, संगीता कहती जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। भगवान शबरी के झूठे बेर ऐसे खा रहे हैं मानो वे अमृत से सने हों। शबरी का सच्चा प्रेम देख, झूठे बेरों को बेर बेर
जान मिश्री से भी अच्छे, मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर है। प्रिय भक्तों, प्रेम में नेम नहीं होता। बेर खाने के बाद भगवान श्री राम शबरी से बोले, शबरी हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला उस और पिता का मरण हुआ, सच्ची पुजारिन हो, तुम्हारी भक्ति बहुत ऊंची है। अपनी प्यारी सीता और लखन लाल को लेकर इस दंडक वन में आया था शबरी, धोखे से हमारी प्राण प्यारी सीता का हरण हो गया है, क्या तुम कोई उपाय बता सकती हो? शबरी बोली, सुनो भगवान, वैसे तो यह बाबरी सबरी आपके आगे क्या जाने, मगर फिर भी एक उपाय मैं तुम्हें बताती हूँ, वो ये है, सुनिए प्रभु। आगे है ऋषिमुख पर्वत, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, चलेंगे ना तो आपको एक ऋषिमुख पर्वत मिलेगा, वहां एक सुग्रीव जो कि अपने भाई बाली के डर से वहां रह रहा है, वो आपको मिलेंगे। और सुनिए भगवान, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है, अपने तो हे
परम पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा विश्वास है कि सीता जी की सुधि आपको उनके द्वारा अवश्य मिलेगी। इधर जब श्री राम ने यह सुना तो किया सुन कर चलने लगे जबी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलिनी ने वह रूप। ज्यों ही प्रेमिनी के इष्ट देव, ज्यों ही प्रेमिनी के इष्ट देव, उस पूर्ण के तन से निकले, त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर, त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर, उसके न स्वर तन से निकले। धाम भिलनी जाती है उसी धाम।